ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं 12 अगस्त 2021 के। आज बाबा की सारी मुरली याद पर हैं और आज बाबा ने अलग अलग रीति से याद करने की विधि बताते हुए कहा कि देखना है हमने कितना पुरुषार्थ किया है। बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो कि मीठे ते मीठे बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको हम कितना याद करते हैं, क्योंकि तुम्हारा सारा मदार है याद पर, जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेंगी। फिर बाबा ने मम्मा और बाबा के समान बनने के लिए कहा कि जैसे हमारा ब्रह्मा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। अभी कोई गफलत नहीं करनी है, उसके लिए कहा कि अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। फिर स्व उन्नति के लिए कहा कि आपस में तुम मिलते हो तो यह कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, संगठन की मदद मिलेंगी। फिर याद में रहे याद दिलाने के लिए कहा कि कहाँ भी रहते तुम याद करते रहो, चलते फिरते याद करो, औरों को यही कहो। अब जबकि बाप के पास उच्च मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेंगी, अर्थात नौकरी चाकरी करनी पड़ेंगी। प्यार से याद करने के लिए कहा विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से याद करना है। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं। फिर बाबा ने सेवा के लिए कहा कि पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन, बुढ़िया भी यह सेवा कर सकती हैं। फिर लास्ट में बाबा ने स्वयं से मनन चिंतन करने के लिए कहा कि ऐसा समझो कि भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है। बाबा जो कहते हैं वह स्वप्न में आवाज सुनाई देता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो, याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। प्रश्न, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेंगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेंगी, मंजिल समीप अनुभव होंगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे, इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। आज मुरली में गीत हैं बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, कि सदा हमारा ज्ञान का रूहानी बचपन याद रहे तो खुशी और उमंग उत्साह सदा बना रहेगा। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। दूसरा, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज बाबा ने वरदान दिया आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। तो बाबा ने कहा संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त हैं, इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी भी कमजोरी को देखते या सुनते हो तो
तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरों की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। आज का स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।